आप बैठिए, आपके लिए खाना दे देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या हुआ? सुमन, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी, इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं उपजी तो हम खाएंगे क्या? यह तो बहुत बड़ी समस्या है, अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, पहले आप खाना खा लीजिए। अर्जुन का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते हैं, पर अर्जुन की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वह यह सोच रहा था कि अगर वर्षा नहीं हुई तो उसकी फसल का क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी, मैं जरूर फसल लगाऊंगा, और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उपाय मैं जरूर निकालूंगा। अर्जुन ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अर्जुन का ध्यान राजू की बातों पर जाता है। हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों में सिंचाई होती है जिससे अच्छी फसल आती है, और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी। तभी अर्जुन को एक उपाय सूझता है। यही सही रहेगा, मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी, अगर वे मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी, सुबह होते ही मैं इस बारे में मुखिया जी से बात करूंगा। सुबह होते ही अर्जुन गांव के कुछ लोग खरीदने के लिए, पता नहीं नए बैल खरीदने में कितने का खर्चा आएगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है, पैसे बर्बाद मत करो, राहुल बड़ा हो रहा है, उसे हमें शहर पढ़ने के लिए भी बेचना है। अब अपना बैल बूढ़ा हो चुका है, वो बेचारा खेत में मेहनत नहीं कर पाता। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। गर्मी के दिन थे। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, अपने घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, ऐसे में बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे। तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं। अब आप इस वीडियो क्लिप को भी देख लो। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। गर्मी के दिन थे। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, अपने घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, ऐसे में बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे। तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं। सुबह को घर से निकलता हूँ, दिन भर काम की तलाश में घूमता हूँ, पर कोई काम मिलता ही नहीं। भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा, तुम ठहरो यहीं, मैं कुछ करता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंटरव्यू के अंदर देखा, उसी तरीके के एडवांस एनिमेशन करना सीखेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं बेस्ट टिप्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मिलते हैं मोरल कार्टून वीडियो बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल। तो देखिए दोस्तों, आपने नॉर्मल एडिटिंग एंड एडवांस एडिटिंग के दोनों ही कार्टून वीडियो देख लिए हैं। अब आपको ये गेस्ट करना है कि कौन सा पसंद आया है। मेरा मीन्स बस ये है, एडवांस एडिटिंग वाला बहुत अच्छा लगता है, उसे सब देखना पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर एडवांस एडिटिंग ही करना सीखेंगे। तो देखिए फिलहाल ये नॉर्मल एनिमेशन है। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, उसका। अब इस वीडियो को एडवांस लेवल तक लेकर जाना है। आप किसी भी एडिटर का यूज करें, और हम कैपकट का यूज करते थे, लेकिन आप सभी की डिमांड हमने जब देखी तो उसमें काइन मास्टर का नाम निकल कर आ रहा था, तो हमने सोचा आज काइन मास्टर के ब्रह्मास्त्र ट्यूटोरियल आप सभी के सामने लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ यूनिक सीखने को मिल सके। देखिए दोस्तों, की फ्रेमिंग ऑल एप्लीकेशन के अंदर मिलती है। इसके अंदर एक एडवांस फीचर भी दिया गया है, पैन एंड जूम, यानी जूम इन और जूम आउट। तो हम जब भी इस लेयर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शंस निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन हम एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे। पैन एंड जूम का ये ऑप्शन निकल कर आया है, पैन एंड जूम, आप देख सकते हैं। अगर की फ्रेमिंग इसमें लगाएं काइन मास्टर के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब इसका मीन्स क्यों,
क्यों देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पर कोई बीजी इंपोर्ट करते पहले कोई बीजी एंड यहाँ पर लेयर में इस कार्टून को अपलोड करते तो हम की फ्रेमिंग का उपयोग यहाँ पर कर पाते, लेकिन इन्होंने की फ्रेमिंग की जगह हमें सीधा सीधा पेन एंड जूम का ऑप्शन दे दिया है, तो की फ्रेमिंग की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आप अदर एप्लीकेशन का यूज करेंगे जैसे कि आपका VN हो गया, मैंने देखा कि VN भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारा पावर डॉक्टर हो गया, तो पावर डॉक्टर कॉन्वेस्ट में हम कंपेयरिंग करें तो दोनों का जो मींस है बराबर निकलता है। कैपकट में आपको VN ये समझ के चलिए कैपकट और VN एक हैं और पावर डॉक्टर और कॉन्वेस्टर एक हैं, इतना आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर कॉन्वेस्टर के अंदर हम पेन एंड जूम डालकर आपको दिखाएंगे व सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ऐसी एडवांस एनिमेशन क्रिएट करनी है। लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को प्ले करेंगे, थोड़ा सा वीडियो प्ले होगी हमारी। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का, सूरजपुर गांव में कहां तक ये सीन बना उस सीन को हम यहां पर पहले देखेंगे यहां तक, ओके इतना हम यहां पर स्प्लाट कर देंगे। यदि हम की फ्रेमिंग का यूज करते तो स्प्लाट की जरूरत नहीं पड़ती, यदि आप सभी की काइन मास्टर ही डिमांड है तो इस वजह से आप सब यह सब करना पड़ रहा है। अब जाएंगे हम पेन एंड जूम वाले ऑप्शन में। अब आपको यह देखना होगा कि पेन जूम कौन सी साइड में करना है, स्टार्ट पोजीशन में जूम करना है या फिर एंड पोजीशन में करना है। जब यह फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट पार्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को एडिट कर रहे हैं, तो सदैव आपको सेकंड पार्ट के अंदर स्टोरी को जूम करना होता है, पहले में नहीं करते हैं। तो हम सेकंड पार्ट को सेलेक्ट करेंगे यानी कि एंड पोजीशन में हम इसे यूज करेंगे, एंड पोजीशन आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे पकड़ेंगे, इसे इस तरीके से जैसे आप जूम करना चाहें वैसे आप इसे जूम भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे ऐसे जूम कर लेते हैं और इस वीडियो को आप प्ले करके देखेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, उसका रहता था। अब यहां से फिर से इस पार्ट को स्प्लाट करेंगे, चलिए स्प्लाट हमने कर दिया है। अब यहां पर आपको पेन एंड जूम फर्स्ट पोजीशन के अंदर यानी कि स्टार्ट पोजीशन के अंदर ही डालना होगा। आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा। पहले हमने सेकंड के अंदर डाला था यानी कि एंड के अंदर डाला था, अब के स्टार्ट के अंदर डालेंगे। स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने अंदाजा से ही जूम करेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हम यहाँ पर इसे रख लेंगे। तो अब आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने है। सूरजपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। यहाँ पर एक बेटा था और बेटी थी, तो इस पार्ट को फिर से हमें स्प्लाट करना होगा। पेन एंड जूम जब ही डाला जा सकता है जब हम पार्ट पार्ट को स्प्लाट कर लीजिए। तो हम जाएंगे, अब फिर से आपको एंड पोजीशन के अंदर ही जाना होगा। एंड के अंदर हमें क्या दिखाना है, इन दोनों बच्चों को दिखाना। तो फिलहाल हम इतना जूम कर देंगे क्योंकि हम बच्चों का सीन यहाँ पर कवरअप करना है। यदि आप और भी जूम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। फिलहाल इक्वल बटन पर क्लिक आपको नहीं करना है, समझे आप, इस तरीके से आप प्ले कर देंगे। बेटा था और एक बेटी थी, गर्मी के दिन थे। अब यहाँ पर ही पूरा सीन ऐसे ही चलने देंगे। सुनिए, अब यहाँ से सुनिए जी, यहाँ से हमारा सीन फिर से क्रिएटिंग हो रहा है। तो इस सीन को देखते हैं कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कुछ यहाँ से ये यह हमारा सीन निकल कर आ रहा है, ठीक है। इस यहाँ से फिर से इस पार्ट को स्प्लाइट कर देंगे और स्प्लाइट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन एंड पोजिशन कैसे देनी है, वो वीडियो को प्ले करके पता चलेगी। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है, अपने घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो इतना हम पार्ट यहाँ पर स्प्लाइट करेंगे क्योंकि छोटे छोटे जितने आप बड़ी छोटी की फ्रेमिंग देंगे उतनी ही एडवांस एनिमेशन बनेगी। अब आपको यहाँ से जो पार्ट हमारा बना है वो एक न्यू एनिमेशन के रूप में निकल कर आया है। तो आपको यहाँ पर एक इफेक्ट डालना होगा। इफेक्ट कौन सा, चलिए हम इफेक्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर एक इफेक्ट मिलता है हमें, बहुत प्यारा इफेक्ट है मेरी समझ से, क्लासिक ट्रांजिशन के अंदर शायद मिलता है और ये फेड थ्रॉट नाम का एक इफेक्ट है, इसको कर देंगे एंड इसे डेढ़ से लेकर एक से भी कम करेंगे इसका कुछ ऑपेसिटी, इसकी जो टाइमिंग है एक से कम करेंगे यानी आधा सेकेंड इसकी ऑपेसिटी सॉरी टाइमिंग इसकी करेंगे। देखिए अब आपको एंड पोजीशन सेकंड पोजीशन जो भी आपको अच्छा लगे वो करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सेकंड में ही आपको रखना है यानी कि एंड पोजीशन के अंदर ही आपको शुरू करना है। एंड में आपको किसे दिखाना है, एंड में हमें भैया इनको दिखाना है, ऐसे जूम कर दिया, ठीक है ना, ओके चलो। अब यहाँ से फिर वीडियो को प्ले करेंगे, यहाँ से वीडियो को फिर से प्ले करेंगे। ऐसे में बच्चे बिना पंखे
अब यहाँ से थोड़ा इतना पार्ट हम रखेंगे और फर्स्ट पोजीशन के अंदर आपको किन रखाना है, इस पार्ट को थोड़ा सा स्प्लाट करेंगे यहाँ से। अब पहले एंड दिया था, अब फर्स्ट देंगे। पहले एंड दिया था और फर्स्ट यानी कि स्टार्ट देंगे। स्टार्ट पोजीशन के अंदर हमें दोनों को इस तरीके से जूम करना है, क्योंकि फिलहाल हमें दोनों को सीनों को यहाँ पर कवरअप करना है। तो प्ले करेंगे दिस वीडियो को। ऐसे मेरे भाइयों आपको जितनी भी बड़ी वीडियो है इस तरीके से एडिट करनी है। एडिट करने के बाद जो पार्ट एक्स्ट्रा बटे, अब आपको इस वीडियो को फुल HD के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। जितनी आपका मोबाइल का वर्जन है सपोर्टेड है, आपको फुल के अंदर इसे एक्सपोर्ट करना है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। तो हम सेव अस वीडियो पर क्लिक करेंगे, हमारी वीडियो हमारी डिवाइस के अंदर सेव होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल हमारे में काइन मास्टर वर्किंग नहीं करता है, सिर्फ अदर अदर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, लेकिन वो भी एप्लीकेशन आप सभी को काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। अब दूसरा एडिटर है हमारा नाम कैपकट, थोड़ा सा बता देते हैं उसके भी अंदर किया था एक मिनट का, इसे हम स्प्लाट कर देंगे क्योंकि कैनवास से ऑलरेडी बना लिया है। इस टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे, की फ्रेमिंग आपको कैपकट के अंदर यहाँ पर सीधी सीधी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं उसमें ऐसे नहीं मिल रही थी। अब इसमें हम फर्स्ट की फ्रेमिंग यहाँ पर दे देंगे। अब लास्ट की फ्रेमिंग आपको कहाँ देनी है, इसका सीन कितना बड़ा रखना है, जूम कर दीजिए फटाफट से इस तरीके से। जितना आपको जूम करना है उतना आप जूम कर दीजिए इस तरीके से। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को हम प्ले करेंगे तो देखना रिजल्ट। मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दे। अब आपको एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर स्क्रॉल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में जा करके रिसाइज पर चले जाना है और यहाँ जा करके आपको जो यूट्यूब रेशियो उसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। इतना आपको रेशियो इसका सेलेक्ट कर देना है। अब रेशियो सेलेक्ट करने से होगा यह कि हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो हमारे ही साइज में बनी रहेगी, चाहे हम जितना भी जूम इन जूम आउट करें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो अब हम चाहते हैं कि इसे जूम इन करें या जूम आउट करें, तो हमें जूम आउट कर देते हैं। चलिए इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि यह जो आपने पर्दा लिया है, यह पर्दा बिल्कुल यूट्यूब से फिक्स होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से यह चीज़ें करनी होती हैं। हमारी ये परफेक्टली सेव हो चुकी है। अब आप इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा प्ले करोगे ना तो रिजल्ट आपके सामने है। सुरभि मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है, उसका बेटा शंकर और उसकी बेटी। तो यहाँ से कुछ एडवांस सीन क्रिएट हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ कहाँ तक करना है, बच्चे अंदर आ जाए बस, करीब यहाँ तक। इस सीन को हमें कवरअप करना था, थोड़ा सा जो छोटा कर लेते हैं टाइमलाइन को, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग सके। यहाँ तक यहाँ एक की फ्रेमिंग देंगे और की फ्रेमिंग को ऐसा देंगे मेरे भाई जो कि बढ़िया लगे देखने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको की फ्रेमिंग को सेट करना है। लास्ट पोजीशन के अंदर हमने इसे दे दिया, फर्स्ट पोजीशन के अंदर दे दिया, लेकिन आपको ध्यान रखिए लास्ट पोजीशन के अंदर हमारी रिकॉर्डिंग बनी है। तो चलिए प्ले करते हैं। उसका बेटा शंकर और उसकी बेटी वहाँ आ जाते ही मां कितनी गर्मी है पिताजी से बोलकर अपने घर में बिजली का कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इन दोनों करेक्टर्स को ही दिखाना चाहते हैं इस एनिमेशन के अंदर, इन दोनों को। तो वो सब कैसे होगा, की फ्रेमिंग के जादू से होगा। चलिए जादू चलाते हैं और वो जादू दिखाते हैं। तो की फ्रेमिंग को यहाँ पर ऑटो कनेक्ट नहीं होता है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ऑटो हो जाता है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। तो हमारा यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि पहले पीछे लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से जूम करेंगे तो जो हमारा की फ्रेमिंग है वो ऑटो कनेक्टेड हो जाता है, यानी अपने आप ही हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़ जाता है। तो और थोड़ा सा जूम कर लेंगे जो कि अच्छा लगे यार देखने में। अभी इस तरीके से हम इसे कर देंगे। अब आप यहाँ से इस वीडियो को चलाकर देखोगे ना भाई, कितनी गर्मी है अभी से बोलकर अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेने को बोलो और एक बड़ा पंखा लगवा लो। अब देखिए एक और चीज़ मैं आप सभी के लिए बताता चलूँ, यहाँ से हम इस सीन को करेंगे छोटा। यहाँ से टाइमलाइन पर ध्यान रहे आपको बार बार क्लिक करना होता है, टाइमलाइन छूटनी नहीं चाहिए। एक और सटीक जानकारी आप सभी के लिए देते चलूँ कि इसे फिक्स करना है अपनी टाइमलाइन के हिसाब से, कुछ ऐसे चला है। लेकिन हम इसे सेट करना चाहते एक बीच में की फ्रेमिंग हम देंगे। अब कैसे देंगे, थोड़ा सा बीच में हल्का सा छोटा कर देंगे, छोटा करने के बाद इस तरीके से सेट कर देंगे। अब आप और भयंकर जादू आपको यहाँ पर पड़ चुका है की फ्रेमिंग के जादू जादू के अंदर। तो इस तरीके से आपको काम करना है। की फ्रेमिंग मैंने एडवांस एनिमेशन जो भी थी उनके अंदर बता दिया है। कैपकट भी बढ़िया है और काइन मास्टर भी बढ़िया है। अब आपकी चॉइस रही आपको कौन सा यूज करना है। यदि आप कहेंगे तो आने वाले समय में पावर डॉक्टर और VN का भी एक बिंदास ट्यूटोरियल आप सभी के सामने लाकर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।